कोरोना संक्रमण काल की दूसरी लहर में लगे आंशिक लॉकडाउन में सबसे अधिक प्रभावित व्यापारी वर्ग हो रहा है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदर अध्यक्ष आलोक दीक्षित और सदर संरक्षक आकाशदीप जैन बेटू ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि आंशिक लॉकडाउन के दौरान चालक के मद्देनजर दुकानों में स्टॉक है, ग्राहकों के ऑर्डर लगे हुए हैं, शादियों में उनको सामान देना आवश्यक है। प्रशासन दुकानों से सामान निकालने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करे जिससे ग्राहकों को सामान दिया जा सके। साथ ही अचानक हुई लॉकडाउन में दुकानदारों का कीमती सामान, नकदी आदि दुकानों में बंद है, वह उसे निकालकर सुरक्षित कर सके जिससे चोरी आदि की घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने दुकानदारों से प्रशासनिक गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह करते हुए अनावश्यक कोई भी दुकानदार बाजारों में ना आए और घरों में लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी की है। इटावा से अभिनंदन जैन की खबर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिला प्रशासन इटावा से अनुरोध करता है कि लॉकडाउन के दौरान चूंकि सालक भी चल रही है और अचानक लॉकडाउन हुआ है जिससे दुकानों में सामान रखा हुआ है, पुराने ऑर्डर लगे हुए हैं ग्राहकों के, उन्हें सामान देना है, सालक में उन्हें सामान देना बहुत ही आवश्यक है। चूंकि लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन का पालन भी करना है, इसलिए प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि कुछ समय एक समय निर्धारित कर दिया जाए जिससे दुकानदार अपने आके जो सालक के ग्राहक हैं उनको सामान दे सके, अपनी दुकानें चेक कर सके, अपनी दुकानों में रखा कीमती सामान और नकदी आदि जो भी है उसे वो व्यवस्थित कर सके जिससे चोरी चकारी का डर ना रहे, क्योंकि लॉकडाउन है उसका हमें पालन करना है। और सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें, अनावश्यक बाजारों में ना घूमें और मास्क का प्रयोग करें। आजकल विपदा जो आई